बड़े भाग घोड़ा तन पावा, यह चर्चा नहीं है। हम लोग से भी बड़ा हाथी है, हाथी का चर्चा नहीं है, आप ही लोग का चर्चा है। तो हम लोग इतना सौभाग्यशाली है लेकिन इसको सदुपयोग में नहीं लगा रहे हैं। हम लोग जड़ बने हुए हैं, साहब इशारा करते हैं, काहेरे भूलल जड़ जीव बेगी गुरु के शरण गहो, भूलल गर बगुमान साधु सतसंग न कियो। यह मानव जीवन में हम लोग गर्व गुमान में भूले हुए हैं, जड़ बने हुए हैं, सत्संग हमको अच्छा नहीं लगता है, हम लोग विषय विकार में जीते हैं, जिभ्या इंद्री के स्वाद में जीते हैं। तो हम लोग जब तक विकार को नहीं तजेंगे तब तक हमारे जीवन में सत्संग रूपी अमृत समाहित नहीं हो सकता है। साहेब इशारा करते हैं, चंदन सर्प लपेटियां, चंदन कहाँ समाए, रोम रोम कहाँ समाए। जब तक हमारे जीवन का विकार खत्म नहीं होगा तब तक सगा अब लाख प्रयत्न कर लीजिए लेकिन हमारे जीवन में सत्संग समाहित नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग एक शब्द सत्संग का ले लेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। आप लोग सुनते हैं, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार। अगर हम लोग एक शब्द पर ध्यान कर लेंगे सत्संग का, एक शब्द को अगर हम एक सूत्र से हजारों हिसाब बनता है, अगर एक शब्द से अगर हम मान ले तो हमारे जीवन का जीवनचर्या ही बदल जाएगा, हमारे जीवन का दुख दर्द ही खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि हम लोग जीवन में दो ही कहानी बनता है, एक अच्छा और एक बुरा। किसी नीतिकारों का कहना है, जो घर के न रह जाए वह निशान कैसा, जिसको दुनिया न दोहराए कहानी कैसा, और हौसला बुलंद नियत साफ जवानी में न तो जवानी कैसा। क्योंकि हम और आप जो भक्ति हो, भजन हो, सत्संग हो, जवानी में ही कर सकते हैं, बुढ़ापा में आपसे कुछ होने वाला नहीं है। कहने का राम आपको कहा जाएगा आम, क्योंकि मुँह में दांत नहीं है, सुनने में कमजोरी है, उस वक्त कुछ नहीं हो पाएगा। हम अपने आप को जीवन को जीवन में जो चाहे कर सकते हैं जब तक जीवन है। आप लोग सुनते हैं कैसेट के माध्यम से, जो कुछ दिन बीते वाला फन में, कुछ दिन बीते आई जवानी, कुछ दिन बीते आई बुढ़ापा, बुद्धि गई चुराने में, जैसे छूटे गाय संग बछड़ा कुट्टी पानी सानी में, कहे कबीर सुनो भाई साधो भक्ति करो जवानी में। तो सारा चीज का सिस्टम बना हुआ है, भक्ति जवानी में करेंगे तो हम सुख समृद्धि मिलेगा, शांति मिलेगा। हम लोग समदर्शी आदमी है, तो समदर्शी आदमी है तो हम लोग को कर्म से भी समदर्शी बनना होगा। ऐसा नहीं है जो कर्म से समदर्शी नहीं है, विचार से समदर्शी नहीं है, इससे कम काम चलने वाला नहीं है। तो हम लोग को विचार करने की जरूरी है। यह मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, पीछे पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। साहब इशारा करते हैं, चेत सको तो चेत लो, आन लगी है नाव, फिर पाछे पछताएगा बहुरी करेगा दाव। अब सत्संग रूपी नाव का लगा हुआ है, अगर हम लोग एक शब्द से सुधर जाए, बदल जाए, तो हमारा जीवन सुख समृद्धि हो सकता है। सत्संग रूपी नाव का लगा हुआ है, हम पार कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो यह भवजल रूपी संसार में, भवजल रूपी काग में यूं ही हमारा जीवन उलझ उलझ के बीत जाएगा, और बीतने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी नीतिकारों का कहना है, जो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है, और पछताते हुए मर जाता है। देखते हैं घर में बच्चा जन्म लेता है तो रोते हुए जन्म लेता है, अगर नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, मार के पीट करके रुलाया जाता है। अगर बच्चा नहीं रोता है, बोलता है, छटपटाता है, तो हम लोग कहते हैं यह बच्चा ठीक नहीं है, ये मरा हुआ बच्चा है। पहले बच्चा को हम लोग रुलाते हैं। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्म लेता है, और जब उसके पास कुछ ज्ञान होता है, जब उसके पास विवेक होता है, कलम का ज्ञान हो, विवेक का ज्ञान हो, और भौतिकी ज्ञान हो, तो उसमें हम लोग चोरी चकारी करना शुरू करते हैं, तो हम लोग शिकार पछताते हुए मर जाते हैं। एक काम अगर हम लोग नहीं करें तो हमारा जीवन शांति हो सकता है, सकुन हो सकता है। पछताने वाला काम छोड़ के और सब काम करें तो यह मानव का उद्धार हो जाएगा, यह मानवीय जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आप कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं वो आपको खुद आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह मानव फिर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग यह जन्म को चूक गए, मनुष्य जन्म को चूक गए, तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि
बाहरी व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है। आप अगर तीर्थ व्रत कभी करके भी आइएगा तो फिर आपको गाँवे में आना है। तीर्थ आपको काम देने वाला नहीं है। आप बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, थोड़ा दिन के लिए, दो दिन, चार दिन, दस दिन के लिए, वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं। आपको वहाँ पे सिर्फ बनावट मिलेगा, मकान मिलेगा, सुंदर सुंदर फूल का बगीचा मिलेगा, हर देश का, हर प्रदेश का आदमी मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हम लोग अपने आप को बदले तो हमारा जीवन सुलम और साधारण हो सकता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जो घी हमको ऐसे नहीं मिलता, पहले दूध का व्यवस्था करना पड़ता है, उसके बाद उसको दही जमा